एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। सोनाली बेंद्रे लोटी मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई। रांची में जमीन विवाद में दो लोगों की हत्या, ग्रामीणों ने हत्यारे को पीट पीट कर मार डाला। अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्विवाद। अब खबरें विस्तार से। एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने बीते दिन भारत वापस लौटने की सूचना सोशल मीडिया पर दी थी। पिछले 6 महीने से न्यूयॉर्क में कैंसर से लड़ाई लड़ रही थी सोनाली बेंद्रे, अब स्वस्थ होकर भारत वापस आ गई है। मुंबई लौटी सोनाली बेंद्रे ने जब एयरपोर्ट पर मीडिया को देखा तो काफी इमोशनल हो गई और अपने चाहतों को धन्यवाद कहा। यह वादा रांची की मांडरा इलाके के दर्शाई जाती है। रविवार की देर रात एक जमीन विवाद को लेकर हुई खूनी संघर्ष में 3 लोगों की जान चले गई। माडर थाना क्षेत्र के नारा गांव में हुए इस खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से था आरोपी। उसने रविवार की रात अपने ही गांव के रोशन और शिवा उराव के दोनों टांग काटकर हत्या कर दी। ग्रामीणों को यह जानकारी मिली तो आरोपी को पीट पीट कर हत्या कर दी। ऋषिकेश अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्विवाद। बाबर से नहीं जुड़ना चाहते भारत के मुस्लिम, यह सांसद रमेश पोखरीलाल निशंक ने खास बातचीत में कहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में राजनीति गरमाया है, पूरे देश में चर्चा हो रही है, जबकि कांग्रेस बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार हमला बोल रही है। सांसद रमेश पोखरीलाल निशंक ने यह बातचीत में कहा कि बीजेपी हमेशा से ही अयोध्या में राम मंदिर के साथ है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।